इसराइल ने 14 अप्रैल को किए गए ईरानी हमले को चाहे अपने एयर डिफेंस सिस्टम से असफल कर दिया हो, लेकिन ये हमला नेतन्याहू की आंखों में जरूर खटक रहा है। इस हमले से इसराइल को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी उसने इस हमले का बदला लेने का इरादा साफ कर दिया है। अब ना तो नेतन्याहू अमेरिका की सुन रहे हैं और ना ही ब्रिटेन की। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि इस बार इसराइल पलटवार करने के लिए अपनी गुप्त मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है, जिसके बारे में दुनिया को बहुत कम जानकारी है। विशेषज्ञों के अनुसार इसराइल के पास बहुत से विकल्प मौजूद हैं, जिसे वो आने वाले कुछ दिनों में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। माना जा रहा है कि इसराइल के निशाने पर ईरान के हाई वैल्यू टारगेट हैं, जिसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स और उसके प्रॉक्सी मिलिशिया भी शामिल हैं। ऐसी संभावना है कि इसराइल ईरानी परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। हालांकि ऐसा करना कम जोखिम वाला बिल्कुल नहीं होगा। ईरान ने पहले ही अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा के लिए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसराइल ईरान के खिलाफ हमले के लिए जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये मिसाइल कितनी घातक है और ईरान को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। जेरिको 1960 के दशक से इसराइल द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइलों की एक श्रृंखला है। इसराइल के दूसरे उच्च तकनीक वाले हथियारों की तरह जेरिको के बारे में भी डिटेल को गुप्त रखा गया है। हालांकि देखे गए डेटा परीक्षण, सरकारी अधिकारियों के सार्वजनिक बयान और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने बहुत कुछ जानकारी साझा कर दी है। जेरिको श्रृंखला का पहला हथियार इसराइल ने 1960 के दशक में फ्रांसीसी और बाद में अमेरिकी सहायता से विकसित किया था। इसके बाद जेरिको 2 आया, जिसे इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने कथित तौर पर 1970 और 1980 के दशक के बीच अमेरिकी सहायता से विकसित किया था। जेरिको 2 कथित तौर पर दो चरणों वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका अर्थ है कि इसकी सीमा 1864 और 3418 मील के बीच है। इसके बाद लॉन्च की गई जेरिको 3। माना जाता है कि जेरिको 3 की सीमा 3418 मील से अधिक है। ऐसी रिपोर्ट है कि जेरिको 3 ने पहली बार 2011 में सेवा में प्रवेश किया था, लेकिन ये अज्ञात है कि इसराइल के पास कितनी संख्या में जेरिको 3 मिसाइलें हैं। माना जाता है कि सभी जेरिको मिसाइलें परमाणु हमला करने में सक्षम हैं, लेकिन इसराइल इस बात से इनकार करता आया है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।